श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग पढ़ लेते कल से फिर आपको छुट्टी। मौनं व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम्। वर्षेष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं। सकल मुनि जनानां ज्ञानदातारमारार। त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं। जनन मरण दुख छेद दक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो। भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनां वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा। योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये
यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकर्णोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तपुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये
घोरं भास्य नलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं सतः सिद्धे तत्पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। अभी आपने भी चैंट किया है और इसमें रिकॉर्ड भी हुआ है, तो रोज आपको इसको पाठ करना है। एक आध दिन गलती से समझ में आ जाएगा, देखो इसीलिए हमने धीरे धीरे चैंट किया है। जो क्लासिकल म्यूजिक के साथ लगा है ना, वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसका अर्थ हृदय में उतरना है। देखो जो हमको अनुभव होता है वो ओरिजिनल वस्तु का कभी नहीं होता, केवल उसके लक्षण हमको दिखते हैं। देखो अब कोरोना वायरस किसने देखा है, उसके लक्षण दिखते हैं। हमारा किसके प्रति प्रेम है दिखता नहीं, फिर क्या उसको बर्थडे के दिन गिफ्ट दे दिया, हाँ प्रेम है। तो तत्व जो है वो जब प्रकट होता है तभी तत्व की उपलब्धि होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है सूर्य से और कितने हजारों करोड़ों माइल दौड़ करके पृथ्वी पर आता है, तो अंतराल में अंधकार ही अंधकार है। कारण क्या है, सूर्य के प्रकाश को प्रकट करने के लिए कोई उपाधि नहीं है। तो जब यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा पर जब पड़ता है तो वो हो गई उपाधि, और उपाधि में क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ, सूर्य प्रकाश नहीं। देखो किसी को गिफ्ट दी तो गिफ्ट नहीं, उसमें जो प्रेम है वो प्रकट हुआ। देखो महाराज, तो यह संपूर्ण विश्व जो है इसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। कितनी सरल बात है, जैसे हमारे आंखें खुली है, अब हमको दिखता है कि नहीं दिखता है, माने हमारे आंखों में दृष्टि है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। जब ये दृष्टि जा करके किसी विषय पर रूप रंग पर पड़ेगी और यदि हमने उस रूप रंग को पहचाना, हाँ दृष्टि है। यदि किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने कोई वस्तु या रंग रख दो, सामने रखो, उसको दिखेगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि उसको दृष्टि नहीं है। दृष्टि हमको भी नहीं दिखती, हमको ना तो अन्य की दृष्टि दिखती है ना तो अपनी दृष्टि दिखती है। देखो आंखें नॉर्मल है, उसमें दृष्टि है कि नहीं कैसे पता चलेगा। एक बार साउथ अफ्रीका की बात है, हमारा सत्संग चल रहा था किसी मंदिर में और वहाँ एक स्त्री सामने ही बैठी हुई थी लाइन में, उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, बड़ी बड़ी थी एकदम,
ये भरतनाट्यम वाली लड़कियाँ होती ना वैसी सुंदर आके। सत्संग होने के बाद हमने कहा चलो आओ प्रसाद ले लो, मैं उठ के नहीं आऊँगा, आप लोग आ जाओ। फिर भी सब लोग बैठे हुए, ठीक है मत आओ मैं देता हूँ उठ करके। तो फिर मैं उठ करके उसके पास गया पहले, हमने कहा हाथ कर सामने ले प्रसाद। तो उसने, मैं कहाँ खड़ा वो कहाँ देख रही है, हाथ किया सामने, तो मैंने दे दिया। उसके पश्चात उसकी माँ मुझे मिलने आई, और वो स्त्री थी कोई 45-48 साल की। आकर के कहती है स्वामी जी, वो जो सामने बैठी थी ना जिसको आपने पहले प्रसाद दिया, वो मेरी लड़की है। हमने कहा उसकी आंखें बड़ी सुंदर है। तो वो माँ रोने लग गई, क्या हो गया? बोले स्वामी जी यही चक्कर है, अब उसके बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो दृष्टिहीन है। अब उसमें दृष्टि है या नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा? किसी की भी दृष्टि भी हम नहीं देख सकते, अपनी भी दृष्टि नहीं देख सकते। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, जहाँ जो भी अनुभव होता है वो ओरिजिनल वस्तु का नहीं होता, ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट इज परसीव्ड, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। इट इज नॉट ए सनलाइट, इट इज अ डे लाइट। सनलाइट इज अ डार्क लाइट विच यू कैनॉट होल्ड, यू कैनॉट कॉम्प्रिहेंड, देयर फोर इट इज डार्क, बट इट इज लाइट, देयर फोर लाइट। देखो संतो, और हम लोग कहां फंसे हैं? विश्वम पश्यति कार्य कारणतया। कार्य कारण क्या है? कारण की कार्य में अभिव्यक्ति, और उसी को सत्य मानने लग गए। यदि चिंतन करे तो क्या चिंतन निकलेगा? सुवर्ण कारण है, आभूषण कार्य है। आभूषण सुवर्ण के सिवा नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बन के रह सकता है। अब लगाओ अपने जीवन में, रूप रंग की सिद्धि दृष्टि के कारण। रूप रंग नहीं है तो दृष्टि को कोई हानि नहीं, आंखें बंद करे पड़े रहो, दृष्टि नष्ट नहीं होती, व्यक्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से इंद्रिय जो है ये अभिव्यक्ति है, ये कार्य है। इसके पीछे कारण क्या है? मन है। कितनी सरल बात है ये सिद्धांत पकड़ना है। इसीलिए विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, हम कार्य में ही फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? माँ बाप कारण है, बच्चे कार्य है, और ऐसे ही उसमें फंस जाते हैं, उसमें निकलने कोई तैयार नहीं, और वहीं से संसार शुरू होता है। देखो इसीलिए संतो, यह जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है ना, यह चिंतन का विषय है। और जैसे जैसे आपकी चिंतन करने की क्षमता सूक्ष्म हो जाएगी, वैसे वैसे आप बड़े सहज रहोगे, और सहजता ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सहजता में कोई विशेषता नहीं होती, यह जो निर्विशेष सत्ता है वह परमात्मा है, इसको हमको ग्रहण करना है। देखो जैसे जैसे हमारी ये सूक्ष्मता बढ़ जाती है, तब हमको शास्त्रों के मंत्र, शास्त्रों के जो भिन्न भिन्न ईश्वर के विग्रह है, उसमें से हमको मैसेज मिलता है। देखो फिर हम बहिर्मुखी होकर के नहीं देखेंगे। उदाहरण ले लो एक, आप सभी को पता है शिवजी का मृत्युंजय, महामृत्युंजय जप। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब अपने घोटा लगा रहे, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या हो रहा है? केवल शब्द जालम महारण्यम, उसका प्रभाव उसका अनुभव आ ही नहीं रहा। देखो जैसे एक उदाहरण और देते, एक बार हम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, और हमको मलीना करके कोई डिसीज है पेट का, वो हो गया था, हमको तो पता नहीं। तो हमारा जो पेशेंट था दूसरा उसी कमरे में, उसको बढ़िया खाना आता था, मुझे घटिया खाना, बार्ली वाटर
और उबला हुआ चावल का पानी। तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि मैं बाबा जी हूँ, मुझे घटिया दे रहे, उसको अच्छा दे रहे खाना, वो खाना खा के तंग आ गया, मैं अपना खाना खा के तंग आ गया। एक दिन उसने कहा मैं नहीं खाना खाऊंगा, रख दिया खाना वो, न तो खाना रख के चली गई। हमने कहा महात्मा जी खा, बोले मुझे नहीं खाना, मैं तंग आ गया। नहीं देखो अन्न परम ब्रह्म है, इसको वेस्ट मत करो। बोले मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है मैं खा देता हूँ। मैंने खाया और मध्य प्रदेश में आग लग गई, एकदम सीरियस हो गए। तो फिर ये नर्स दौड़ने लगे, डॉक्टर आ गए, क्या किया और मुंह में नली डाल करके सब निकलवा दिया वगैरह सब कुछ किया। और फिर वो नर्सेस को डांटना शुरू कर दिया। तो हमने कहा देखो महाराज किसी को मत डांटो, मैंने स्वयं खाया है। बोले आपको ये समझ में नहीं आता, आपको ये हो गया है पेट का सवाल है और आप खा गए। हमने कहा हमने सोचा क्योंकि हम बाबा जी हमको आप घटिया खाना दे रहे, उनको अच्छा दे रहे। तो हमने कहा हमको क्या रोग हो गया? बोले मलीना। बोले मलीना लवीना के जैसा रोग तो अच्छा है। बोले आपको मजाक सूझ रहा है, आप मर जाते इसके कारण। अब देखो लवीना मलीना इस शब्द का अर्थ हमको मालूम नहीं, तो उसका गांभीर्य हमको पता नहीं। देखो इसी प्रकार से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। कितने बार इसका जप किया, कुछ पला पल्ले। देखो महाराज इन मंत्र का अर्थ हृदय में प्रकट होता है तब उसका प्रभाव होता है। एक होता है वस्तु का गुण। देखो महाराज जी आए, आइए 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 प्रभु, हमारे अहोभाग्य है आज हमारे बीच महाराज जी आए हैं। प्रणाम भगवान। अब नमस्कार बाद में करना, लाइन मत लगाना। एक बार लाइन लग जाती है उनको, ऐसी लाइन लगाने की आदत पड़ी है। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मैकेनिकली चल रहा है। देखो हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं हाथ में माला घूम रही है, मुख में जिह्वा घूम रही है और मनवा भटक रहा है, ऐसा भगवान का स्मरण नहीं होता। शब्द का अर्थ जब तक प्रकट नहीं होता तब तक के हमारी साधना अपूर्ण है। देखो इसको और पकड़ ले सूक्ष्मता से। एक बार हम बस से जा रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ, और हम हमेशा पीछे की सीट में बैठते हैं खिड़की के पास, ताकि बाकी लोगों का झगड़ा नहीं होता, हमको खिड़की के पास बैठना है। तो हम पीछे बैठे थे, तो पीछे एक हाथ दो सीट खाली थी, तो एक कन्या आकर के बैठी हमारे, स्वामी जी मैं यहाँ बैठूँ? मैंने दूर बैठो, सर पर मैट बैठना। बोले ठीक है। उसके पश्चात बोले मुझे कुछ बताइए। हमने कहा बताना बिताना कुछ नहीं, मुझे प्रश्न उत्तर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुमको, हम लोग खेलेंगे। बोले हाँ खेलेंगे। मैंने मैं तुम्हारे कान में कुछ नहीं बताता, केवल केवल होठ हलाऊंगा, लेकिन एक शब्द को वैखरी वाणी में बोलूंगा। और फिर मैंने कहा अशोक, और तुम जोर से हंसना, ठां ठां करके हंसना, देखो कैसा मजा आता है। तो हमने कहा अशोक, और उसके मुंह कान में, और वो जोर से हंसने लग गई। तो जो लड़का था अशोक वो पीछे देख के कर रहा देखो। और फिर उसने वो लड़की, मैंने भाग यहाँ से, इतनी जोर से हंस रही है, वो जाके अपने सीट पे बैठी। अब ये अशोक परेशान, और फिर आकर के स्वामी जी मैं बैठूँ? मैं बैठूँ खाली ऐसी? आपने उस लड़की को क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा।
बोले वो क्यों हंस रही है? नहीं उसको पूछो, मुझे क्या मालूम? क्या किसी के हंसने पर पाबंदी है क्या? नहीं आपने कुछ बताया, मैंने तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं बताया। कसम हमेशा अगले की खानी चाहिए, भगवान की मत खाओ, अगला मरे अपन को क्या फर्क पड़ता है। द्वितीयात वही भयम भवती। तो फिर वो परेशान लड़का उसके पास गया, स्वामी जी ने क्या कहा तुमको? कुछ नहीं कहा। फिर तुम क्यों हंस रहे थी? बोले मेरी मर्जी, मैं हंसू या रोऊं? इतना परेशान। अब हमको सीखना क्या है? अशोक शब्द का अर्थ मैं के रूप में उस व्यक्ति ने ग्रहण किया था ना। अशोक का अर्थ मैं है क्या? देखो नाम अशोक है लेकिन वो शोकमग्न हो गया था। कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् योबंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इसका क्या अर्थ निकला? पंडित जी कहते हैं हमको नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, एक पंडित जी को अपॉइंट करेंगे, पंडित जी मेरे नाम से महामृत्युंजय का जप करवा दो। स्वयं नहीं करेंगे। देखो देर इज नो प्रॉक्सी टू लिव लाइफ, देर इज नो प्रॉक्सी टू डाई, देर इज नो प्रॉक्सी फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको अपनी साधना स्वयं करनी पड़ती है, किसी को अपॉइंट करके साधना नहीं होती। देखो एक सेठ जी गए पंडित जी को, कहा मेरे नाम से महामृत्युंजय का जप कर दो। बोले सेठ जी दक्षिणा, तुम लोग यार बड़े पैसे के पीछे पड़े रहते हो, ये सेठ जी तो बिना पैसे के है। और फिर वहाँ सेठ जी टर्न हो गए, उसी क्षण पंडित जी कहते सेठ जी आपका जप हो गया, इतनी जल्दी हो गया? बोले 125 रुपये में ऐसे ही होता है, हमको चाहिए महामृत्युंजय का जप, देंगे 125 रुपया। और उनको ग्रीड है और इन लोगों को ग्रीड नहीं है। देखो तो जब हम इस मंत्र का जप करते हैं त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, देखो भगवान के तीन आँखें हैं। अब हम जब छोटे थे ना, हमको यही परेशानी, हमारी परेशानी बड़ी विचित्र रही। परेशानी ये थी, यदि शिवजी को चश्मा लग जाता तो चश्मे का डिज़ाइन कैसा होता? क्योंकि शिवजी के दो मॉडल अवेलेबल है, एक में आँखी ऐसी बीच में कि आप खड़ी है, एक में ऐसी है, कभी कभी ऐसे लगाते कभी ऐसे लगाते। अब जब ऐसी आँख होगी तो भगवान को कैसे दिखता होगा? ऐसे देखेंगे कि कौन सी आँख से देख रहे हैं। हमारी यही समस्या आ रही, बाकी कोई समस्या नहीं। देखो तो जो तीन आँखों से देखता है, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, त्र्यंबकम् यजामहे, हम उसकी उपासना करते हैं। देखो माने जागृत आके चली गई, स्वप्न आके चला गया, नींद आके चली गई, समाधि लग के टूट गई, क्या फर्क पड़ता है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही स्मृति स्वप्न ज्ञानम जागृत अपोहनम सुषुप्ति चकारात समाधि। इसीलिए वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, इस मैं को हमको पहचानना है। तो त्र्यंबकम् यजामहे, हमारी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ है। ध्यान से सुनना, कल बताया था आपको, भगवान का स्मरण करना माने दुनिया का विस्मरण होना। भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। देखो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बिल्कुल सरल सरल बातें है। आत्मचिंतन माने अनात्मचिंतन का अभाव। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको शब्दों में कहो, किसके जैसा है? मनु शत्रुपा ने तपस्या करी, नारायण भगवान प्रकट हो गए और मनु महाराज ने क्या कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। नारायण भगवान ने क्या कहा? आई एम सॉरी, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन, कुछ है ही नहीं दूसरा।
तो मेरे जैसा पुत्र कैसा होगा? फिर मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में पैदा हूं। देखो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो अपने इस स्वरूप के तरफ हमको यजन करना है। तो ये क्या है? सु माने अच्छी, गम माने गति, धी माने बुद्धि, सुगंधिम। हमारी बुद्धि बदबू वाली है। देखो, इसमें हमारा दोष नहीं है, अपने आप को दोष मत देना। पापो हम पापो कर्मा हम, ये दिमाग से हटा डालो। देखो, ये भगवान का मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। भगवान ने कहा स्पष्ट, उपनिषद में आता है, परांची खानी वितृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नांतरात्मन फिर कश्चित् धीरः प्रत्येक आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छत। देखो, तो जब तक हम इंद्रियों के खिड़कियों में बैठे रहेंगे ना, तब तक के बहिर्मुखी होंगे। तो करना क्या है? आवृत्त चक्षुः कौन कर सकता है? कश्चित् धीरः, एकाद धीर पुरुष। धीर पुरुष माने जिसको धैर्य है। धीर पुरुष माने धी माने बुद्धि, रा माने गतो, जो अपना जीवन समझदारी से चलाता है वो धीर पुरुष है। देखो, कश्चित् धीरः प्रत्येक आत्मानमैक्षत। अब उसको क्या चाहिए? त्र्यंबकम यजामहे प्रत्येक आत्मानमैक्षत। अब उसको दुनिया से ना लेना ना देना। देखो महाराज, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और हमारी यह जो अंतर्मुखी विचारधारा है, यह बढ़ती रहे दिन बाय दिन, दिन ब दिन दिन बढ़ती रहे। बहुत हो गए दुनिया का झमेला, इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, हैप्पी मंत्र, उसको याद रखो। चाहे आप दूसरा मंत्र करो ना करो, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मुझे तो हमेशा भगवान राम पर तरस आता है। सबके सब भगवान राम का सर खाते हैं। राम 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 राम। कल्पना करो आप, आपका बच्चा छोटा आपके पीछे दौड़ रहा है, मम्मी 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 बेटा क्या चाहिए, मम्मी मम्मी बेटा क्या चाहिए, सुनने को तैयार ही नहीं। मम्मी मम्मी क्या करेगी मम्मी, एक चुप। ऐसे ही भगवान का सर मत खाओ। राम 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 राम। अब भगवान क्या करते हैं? हनुमान जी चुप। हमारे कन्हैया का चक्कर नहीं है, भगवान राम शरीफ है, सुनते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। कन्हैया लाल तुम बोलते रहो, कौन सुन रहा है? वो अपने में मस्त है। देखो सुनो मत बोलो। देखो संतो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये जो होता है ना कुकुम्बर, जिसको क्या कहते हैं, काकड़ी, ककड़ी, तो ये जो ककड़ी है या जो भी ऐसे फल है, कद्दू ले लो, ये अपने मूल लता से अलग नहीं होते लेकिन अलग हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। हमको मरना नहीं, हमको यहीं रहना है, लेकिन अपना अटैचमेंट प्रभु के साथ। उर्वारुकमिव, जैसे ये कद्दू अपने मूल पेड़ से अलग नहीं होता, पक जाता है लेकिन चिपका रहता है। इसी प्रकार से हमको प्रभु ने जहाँ भेजा है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सभी ससुरों का जो जो एक्टिंग करनी है करो, कर्नाटक, लेकिन इसे सीरियस मत होना। देखो, और ये नाटक करने के तरीके हमने आपको बताया है, बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट कभी मत करना, वो जो भी कहते बिना सुने हाँ कह देना। देखो, इससे फायदा क्या है? दो मिनट में वो भूल जाएंगे किसके बारे में कहा था और आप शांत रहोगे। बुढ़ाओ लोग जल्दी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। देखो, और छोटे बच्चे जो है उनके साथ झगड़ा मत करना, माफ़ कर देना। ठीक है, बच्चे गड़बड़ करेंगे, इधर बुढ़ाओ करेंगे, करते बुढ़ाओ ही है। लेकिन मूल तो बात आप बता ही नहीं रहे, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, उसके लिए हमारा महामंत्र है। जब पत्नी बोलती है तो आप चुप रहो,
जब वो चुप है तब आप बोलो मत, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। देखो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। डाइवोर्स करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ मौज में रहो। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मुझे मृत्यु से मुक्त करो। मृत्यु क्या है? परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके विशेषता का आह्वान करना, यही मृत्यु है। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, जहां विशेषता जुड़ गई वहां संसार शुरू हो गया। बिल्कुल, कितनी सिंपल बात हमने कई बार बताई। दृष्टि निर्विशेष है, दृष्टि का ना आकार है ना रंग है, और ये जितने भी रंग है 10 प्रकार के और जितने भी आकार है वो विशेषता है। तो जब हम विशेषता में फंसेंगे तो दुनिया में फंस जाएंगे। निर्विशेष में आ जाओ, अपने इंद्रियों पर आ जाओ। तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तृषभ। इसीलिए अपने इंद्रियों पर जब नियंत्रण होगा तो ये दुनिया हमको परेशान नहीं करेगी। यह जो निर्विशेष सत्ता है ये अपना स्वरूप है। अध्यात्म का तात्पर्य विशेष नहीं बनना। सभी विशेषताओं का त्याग होने के बाद जिसका त्याग नहीं हो सकता है उसको पकड़ के रखो, वो आप। शब्द अनेक है। शब्द अनेक इसलिए है कि शब्द परिच्छिन्न है, शब्द विशेष है। और आकाश का तन्मात्र क्या है? शब्द। शब्द माने कोई भी शब्द, कोई निंदो कोई वंदो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम उन विशेष शब्दों को महत्व देते हैं और उसी में फंस गए। जो निर्विशेष शब्द है, कौन सा निर्विशेष शब्द होगा? अब इसके ऊपर चिंतन करो। शब्द अनेक तब होते हैं जब दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव होता है। जैसे श्री राम श्री राम श्री राम, हमने 3 बार कहा। ये 3 बार कैसे हो गया? दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव था। लेकिन आप तो थे ना वहां, और कान केवल शब्द को ही सुन सकते हैं, शब्द के अभाव को नहीं सुन सकते। तो जो शब्द को और शब्द के अभाव को प्रकाशित करता है, ये भावाभाव के जो परे है, यही निर्विशेष सत्ता हमारा स्वरूप है। अपने आप को सच्चिदानंद कहना ये भी गलत है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, सच्चिदानंद ये भगवान को दी हुई गाली है। सत तो तब कहोगे ना जब असत की संभावना है। क्या हमको कभी मैं नहीं हूं ये कभी अनुभव आया है? जब अपने अभाव का अनुभव है ही नहीं तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? अब ये जो अनुभव है ना, जो अस्ति नास्ति के परे है, जिसमें है नहीं है इसके परे है, यह अपना स्वरूप है। मृत्यु और मुक्षी यमामृतान, अनेकता से हट करके जो एकमेवा द्वितीय है वहां हमको ले चलो कन्हैया लाल। अब 9वां श्लोक है, हमारे बात कहो। भूरं वास्य नलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। अब भगवान के कितने रूप हैं? भगवान के 8 रूप हैं। पहले तो ये पंचमहाभूत,
भू पृथ्वी अम्ब जल फिर अनल फिर अनिल अग्नि और वायु और अम्बर पृथ्वी और आकाश फिर महरनाथ माने सूर्य हिमांशु माने चंद्र कितने हो गए पांच और दो सात और पुमान माने सभी जीव मात्र इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिष्टकम्। तो भगवान की ये आठ मूर्तियां है ध्यान से सुनना भगवान की आठ मूर्तियां माने भगवान आठ प्रकार से अभिव्यक्त हो रहे इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनेक हो गए इसको आप पकड़ो ना तो आपके दिमाग से ये जीव निकल जाएगा ये जीव जीव पकड़े पकड़ो मत उसको पिछला जन्म ये जन्म अगला जन्म स्वर्ग नरक पाप पुण्य बहुत हो गया इनफ इज इनफ। देखो हमने ये उदाहरण 10 बार दिया एकाध बार तो क्लिक होगा मैं अपने पिता के सामने पुत्र पत्नी के सामने पति और पुत्र के सामने पिता तो क्या मैं तीन बन गया। देखो लाल पीला नीला रंग क्या आंखें तीन हो गई सभी इंद्रियों में से एक ही मन प्रकट हो गया तो क्या आंखों से प्रकट होने वाला मन अलग होता है कानों से प्रकट होने वाला मन अलग होता है सिद्धांत क्या हुआ औपाधिक अनेकता यह प्रतीति है सत्य नहीं है। हम कहां फंसे हैं इस औपाधिक अनेकता में देखो ये बल्ब ट्यूबलाइट अनेक है लेकिन सब में प्रकाश एक है। इसी प्रकार से देह की दृष्टि से देखो तो हम अनेक है लेकिन सब में जीवन एक है लाइफ इज कॉमन। देखो महाराज तो जो जीवन है लाइफ है इट इज नॉन स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस निर्विशेष सत्ता। कितने फंसे हैं हम विशेषताओं में और ये विशेषताओं का बोझा ढोने वाला संसारी होता है और ये विशेषता का बोझा कैसा बढ़ता है दुनिया भर की पुरानी बातें जाने कहां गए वो दिन। ये बहुत बड़ी साधना है अपने भूतकाल के बारे में ना बोलो ना किसी को पूछो। हम हिंदुस्तानी हैं हमको लोग पूछते स्वामी जी आप बताइए आप कहाँ के हैं और कब पैदा हो गए थे क्यों पैदा हो गए थे किस लिए पैदा हो गए मरे क्यों नहीं और क्या जरूरत है तो भी हम भी ठोक देते हैं अगला आदमी देख करके। कोई भगवान कृष्ण का भक्त हो स्वामी जी आप कहाँ से आए तो हम वृंदावन से अच्छा वृंदावन से आए टाइम पास हो जाता है। देखो हम कहाँ नहीं है मैं पुत्र में भी हूँ मैं पति में भी हूँ मैं पिता में भी हूँ लेकिन फिर भी मैं इन सब के परे हूँ। जहाँ जहाँ औपाधिक अभिव्यक्ति को महात्म्य दिया है वहाँ संसार है। तो ये जो अनेकता है भूरंबास्य नलो नीलोम्बर महर नाथो हिमांशु पुना पुमान इत्याभाति चराचरात्मक मिदम चर अचर जड़ चेतन एक ही परमात्मा है। देखो अग्नि में दो गुण है प्रकाश और उष्णता। हमने एक बर्तन में पानी लिया उसको अग्नि लगाया तो पानी में क्या ग्रहण होगा गर्मी उष्णता उसमें प्रकाश ग्रहण नहीं होगा तो हम ये कहेंगे क्या कि अग्नि में प्रकाश नहीं है ये तो उपाधि की कमी है। और यदि उसी अग्नि को लकड़ी को लगा दो लड़की को नहीं लकड़ी को लगा दो तो क्या होगा दोनों बातें प्रकट होगी उष्णता भी प्रकट होगी प्रकाश भी प्रकट होगा अग्नि तो एक ही है। तो यह जो विविधता है जड़ चेतना एक उपाधि ऐसी है जिसमें परमात्मा चेतना के रूप में प्रकट नहीं हो सकता और दूसरी उपाधि ऐसी है कि जिसमें परमात्मा सत्ता और चेतन दोनों के रूप में प्रकट होता है। तो यह औपाधिक अनेकता है जब तक हम उपाधि में फंसे हैं तभी तक यह ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो संतो
इतना जीवन सहज बन जाता है। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना, निर्विशेष सत्ता, इस शब्द को पकड़ के रखो, निर्विशेष, कुछ बनो मत। बन जाते हैं तो बनावटी है, हम पिता बनते हैं, हम पुत्र बनते हैं, हम पति बनते हैं, और ये सब बनावटी है, यही हमको परेशान करते हैं। ये भी बात हमने बताई थी हमारे सत्संग में, कही थी, एक लड़की हमारे पास आई और हमको कह दिए, स्वामी जी हमको बताइए, हमारी माँ कह दी तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती हूँ, क्यों कि तुम अकेली हो, यहाँ केवल सौभाग्यवती बैठती है। तो आपको तो पता है मेरा डाइवर्स हो गया, हाँ पता है, व्हाट्सएप में आया था। फिर अब मुझे ये बताओ, मेरी माँ ने कहा स्वामी जी से पूछो, डाइवोर्स होने के बाद लड़की विधवा होती है कि सधवा रहती है? तो मैं एकदम गंभीर हो गया, मैंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। कौन मरा? तो मैं पति पत्नी भाई बहन मां बाप कहां है, और इन्हीं को लेकर के संसार चल रहा है, तो करे क्या? कर्नाटक नाटक करो, कैसे? जैसे अब कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। देखो कितने बार सुना, प्रोफेशनल सत्संगी, अनेक महात्मा आके चले गए और हम बैठते चैलेंज, अब आप ट्राई करके देखो, हम ज्यों के त्यों है, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं इत्याभाति चरा चरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिष्टकम्। देखो एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है, और ये अनेकता परमात्मा की नहीं है, यह है उपाधियों के कारण अभिव्यक्ति की भिन्नता। कितनी सरल बात है, यदि हमारा ध्यान इस एक के तरफ होगा तो अनेकता का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमको कई जगह में ले जाते उद्घाटन करने के लिए, एक हमारे मित्र है ठाणे के, वो ज्वेलर है, उन्होंने नया कोई दुकान खोला और हमको, स्वामी जी आप आकर के इनॉग्रेशन करो। हम लोग सब जगह फिट होते हैं, मास्टर की, कोई पैदा होता है तो हम जाते, कोई मरता नहीं तो हम जाते, स्वामी जी कुछ करो, हम सब करते हैं, मास्टर की है। तो वहाँ गए उद्घाटन करने के लिए और दीपक जलाया, भगवान को आरती दिखाई, सब कुछ हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी आपको कोई देंगे नहीं, बिल्कुल पक्की बात है, सिर्फ पूछना चाहते हैं, हमारे पास दो मूर्तियाँ हैं, एक राम की एक रावण की, आप किसके लेंगे? आप कल्पना करो, हम समझिए, बोले आप तो राम के लोगे, अरे आप सुनो भारी कौन सी है, राम रावण दोनों तुम रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। नाम की अनेकता, यही संसार है। देखो अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम् सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, इन पांच में से आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, सच्चिदानंद परमात्मा है और जो नाम रूप है वह संसार है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है, रूप हमेशा हमसे अन्य होते हैं, नाम हमेशा हमारे अंदर होता है, मन में होता है। जब शास्त्र कहते हैं दुनिया माने नाम रूप, माने केवल बाहर की नहीं महाराज, अंदर भी वही है। ध्यान से सुनना, बाहर की हवा और अंदर के प्राण एक ही है। बाहर जिसको हवा कहते हैं उसको अंदर प्राण कहते हैं। यदि अंदर के प्राणों का संबंध बाहर के हवा के साथ नहीं होगा तो राम बोलो भाई, राम बोलो, माने क्या हो गया? जो बाहर भी है वो अंदर भी है। अब इस पर चिंतन करो, जैसे इस कमरे के अंदर भी आकाश है बाहर भी आकाश है, तो इसका अर्थ क्या निकला? यह कमरा आकाश में है। इसी प्रकार से बाहर भी हवा है अंदर भी हवा है, अर्थ क्या निकला?
यह देह प्राण में है, वैसे ही रूप रंग बाहर है, नाम अंदर है। इस माइक को पता नहीं कि इसका नाम माइक है, ये मुझे पता है। तो नाम मुझ में है, रूप बाहर है। तो यदि नाम रूपात्मक जगत है तो जगत केवल बाहर नहीं है महाराज, अंदर भी है। धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है ना, आप बड़े हल्के पुलके हो जाते हो। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तेष्टकम्। फिर हमारे मन में ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। आगे कहते हैं नान्य किंचन विद्यते विमृशताम। लेकिन जिसने इस पर चिंतन किया है उनके लिए बात हो रही, विमृशताम, जिसने विमर्श किया है, चिंतन किया है, न अन्यत किंचन विद्यते। फिर पता चलता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतक कस्य सिद्धलम्। ये संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है, उसकी सिवा कुछ है ही नहीं। यह दृष्टि प्रदान की है उपनिषदों ने, जिसके दृष्टि में परिवर्तन आ गया उसके परसेप्शन में परिवर्तन आ जाएगा, परसेप्शन में परिवर्तन आ गया रिएक्शन में परिवर्तन आ जाएगा, रिएक्शन में परिवर्तन आ गया अनुभूति में परिवर्तन आ जाएगा, अनुभव में परिवर्तन आ गया जीवन में परिवर्तन आ जाता है। शुरू कहाँ से होता है? दृष्टि को। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले, देखो बिल्कुल सरल है महाराज। जब हम दुनिया को देखते हैं भोगी बन जाते हैं, लेकिन दुनिया को ही यदि परमात्मा रूप से पहचान करें तो भोगी नहीं सेवक हो जाएंगे। यह हमारा रोज का अनुभव है। किसी भी पार्थिव विग्रह के पास चले जाओ, समझो मार्बल की कोई बिल्डिंग बनी है, आप चले गए ऊपर, सभी मार्बल ही मार्बल है, और वहाँ चले गए अंदर, वहाँ जाने के बाद भगवान का विग्रह है वो भी मार्बल का बना हुआ है, तो बाकी की जो फ्लोरिंग है, दीवार है, खंबे है, वो भी मार्बल के है, उसको लेकर के नमस्कार नहीं करते। उसी मार्बल का विग्रह बना है तो उसको नमस्कार करते, क्यों? दृष्टि में परिवर्तन आ गया। संतो, दृष्टि में परिवर्तन लाना यही सत्संग का तात्पर्य है। देखो शत्रो मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नम विग्रह संधो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। जैसे ये दृष्टि में परिवर्तन आएगा उसको क्या है उन्हें विमृशताम। नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभोः। इस परमात्मा के सिवा इस जगत में जिसमें हम भी आ गए कुछ और है ही नहीं, एकमेवा द्वितीय, यही परमात्मा का खेल चल रहा है। सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द में है, या तो कहो रामलीला या कहो कृष्ण लीला। देखो और एक लीला क्या होती है, लीला में थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। देखो संतो, जब ये बात समझ में आती है ना तब जीवन इतना सहज बन जाता है। हमको कुछ भी सिद्ध नहीं करना इस दुनिया में, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, बढ़िया चल रहा है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये, तब गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति कौन हो गए, ये अपना स्वरूप है। परमात्मा की उपलब्धि आत्म रूप से ही सत्य है, अनात्म रूप से अपने मन का प्रक्षेपण है। परमात्मा का अनुभव आपको अभी देते हैं, जो अनुभव प्रारंभ नहीं हुआ, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ और जिसका अंत नहीं हुआ वो तत्व है। बाहर मत ढूंढो, अपने में देखो। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, प्रारंभ नहीं, हमको अपने बदलने का अनुभव नहीं है। शरीर बदलता है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। हमको अपने मरने का अनुभव नहीं है, और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है। इसको पकड़ के रखो।
नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। यदि हम सत्संग में जाए इस कल्पना से, हम सत्संग में जाएंगे तो लोग सुधरेंगे। लोग कहते हैं ना सत्संग में जाओ तो शांति मिलती है, इसके पीछे सूक्ष्मता बताऊं आपको क्या है। आप सभी लोग यहाँ आ गए ना, आपके घर में शांति है, अशांति के कारण आप स्वयं हो। मनुष्य स्वयं के कारण जितना दुखी होता है और किसी के कारण दुखी नहीं होता। दुख का मूल कारण ये मैं दुखी होता है, इसकी खोज करो और इस खोज करते करते खो जाओ, तब जा करके यह तत्व का निष्ठावान स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब अंतिम श्लोक है, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं। गला साफ करके जरा जोर से कहो, नींद आ गई क्या? सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वो शब्द चैश्वर्य नहीं है, उसको तोड़ के पढ़ना पड़ता है, चैश्वर्य कोई शब्द नहीं है। परिणतम च ऐश्वर्यमव्याहतम्। अच्छा, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे, इस स्तुति में भगवान दक्षिणामूर्ति की स्तुति में क्या स्पष्ट हो गया है? सर्वात्मत्व। देखो, जैसे सभी बर्तनों में एक ही आकाश है, सभी देश एक ही आकाश में है, सबके लिए एक ही वायु है, सबके लिए एक ही अग्नि है, सबके लिए एक ही पानी है, सबके लिए एक ही पृथ्वी है, इसीलिए एक ही अनेक उपाधियों को धारण करके बैठा हुआ है सर्वात्मत्वमिति। अब इसको अपने में देखो, आँखों में मैं हूँ, कान में मैं हूँ, नाक में मैं हूँ, हाथ में मैं हूँ, पेट में मैं हूँ, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, देखो विवाह के पहले मैं, विवाह होने के बाद मैं और वो, फिर एक कैलेंडर आ गया बाहर, फिर मैं वो और वो बच्चा, दूसरा कैलेंडर आ गया, मैं एक बच्चा, दूसरा बच्चा पत्नी, धीरे धीरे एक्सपांड हो रहे हैं ना। और कल्पना करो आप, एक आपको ट्रिग्नोमेट्री का गणित बताते हैं, एक सेंटर है, एक इंच का रेडियस लिया और एक उसके ऊपर गोल लगाया, एक फिर दूसरी रेडियस दो इंच की, सेंटर वही है, दूसरा लगाया, फिर वही सेंटर तीसरी रेडियस तीन इंच की, फिर तीसरा सर्कल बनाया। कितनी भी सर्कल बनाते जाओ सेंटर पर कोई प्रभाव होता है क्या? देखो, और जितनी ये त्रिज्या या रेडियस बड़ा होगा उतना सर्कल बड़ा होगा ना। पहले मैं केवल बिंदु मात्र, बिंदु नाद कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, बिंदु मैं, नाद उसका आवाज, कला ये सारा संसार, इन सब का जो आधार है वह परमात्मा, वह गुरु है। आप ध्यान से सुनो, छोटी रेडियस छोटा सर्कल, बड़ी रेडियस बड़ी सर्कल। अब कल्पना करो आपके रेडियस इन्फिनिट है तो क्या होगा? देर विल बी ए सर्कल विदाउट ए सर्कमफरेंस।
माने संपूर्ण विश्व अपने में आ गया। देखो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतम यस्मादमुष्मिन् स्तवे। देखो महाराज, वेदांत का श्रवण करने के बाद आपके मन में किसी को भी लेकर के घृणा का भाव पैदा नहीं हो सकता। जैसे हमारे सभी अंगों के प्रति हमारे मन में कभी घृणा का भाव आ नहीं सकता, क्योंकि सर्वात्मत्व है। लेकिन हम फंसे रहते छोटे छोटी चीजों पे। अपनी लड़की दूध की धुली और बहू पता नहीं इनके घरों में क्या सिखाते हैं, संसार शुरू हो गया। इसीलिए सर्वात्मत्वमिति स्फुटी कृतमिदम यस्मादमुष्मिन् स्तवे, क्योंकि इसमें ये सर्वात्मत्व का स्पष्टीकरण हो गया है, तेन इसके कारण श्रवणा तदर्थ मनना ध्याना च संकीर्तनात्। अब श्रवण मनन और निधिध्यासन तीन करना है। देखो, पहले होती है बहिरंग साधना। बहिरंग साधना धर्म की साधना है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा ववच्छेसी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब धर्म की बातें हैं। ये महार का सर्कल है। जब तक के हम देहात्मा भाव से जीते हैं, तब तक के धर्म की आवश्यकता है। जब तक के हम देहात्मा भाव से जीते हैं, तब तक के सगुण साकार की उपासना की आवश्यकता है। लेकिन वही फंसना नहीं है। पहला ये आउटर सर्कल हो गया, फिर और थोड़े अंदर आ गए, फिर उसमें अच्छी बुरी बातों का प्रश्न आता है। पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म, अपना कर्तृत्वाभिमान और अपना कर्तव्य कर्म, ये सब का उसमें आ गया, फिर उसमें मैं बन जाता है। और इस मैं का हमको त्याग करना है। वहां उपासना शुरू होती है। जो कुछ हो रहा है, जो थारी रहा है, सो मारी रहा है। धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करते करते जब हम यहां पहुंच जाते हैं, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यर्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। फिर हमको आत्मचिंतन में लगना है। आत्मचिंतन में लगने के लिए पहले श्रवण। ऐसा कहते हैं, 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के खाना चाहिए, और सब छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। आप कुछ करो ना करो, डजंट मैटर, सत्संग को कभी मत छोड़ना। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। देखो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो, उसमें जाकर के 11वें अध्याय में स्कंद में यही बताते, सर्वश्रेष्ठ साधना यदि कोई है तो सत्संग है। बाकी का सब ठीक है, अपनी जगह में किसी का विरोध नहीं। तेना से श्रवणात्, श्रवण करे नित्य निरंतर, और तदर्थ मननात्। लेकिन श्रवण करके केवल बैठे नहीं, इस पर चिंतन करे। चिंतन क्या करे, ये जो हमने सीखा है ये अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। देखो, एक विद्यार्थी डॉक्टर के पास जाके सीखता है कॉलेज में, और उसको सिखाया जाता है ऐसा ऐसा ऑपरेशन करते ये होता है। अब जब वो ऑपरेशन के लिए किसी पेशेंट को लेगा तो प्रोफेसर को फोन नहीं करता कि सर अब ये पेशेंट आया है, इसकी किडनी कहाँ मैं भूल गया हूँ, बताएंगे। उसको अप्लाई करना है वो ज्ञान। तो यहाँ हमने श्रवण किया है, अब घर में जाकर के उसको अप्लाई करना है। इसीलिए हमारे जीवन का हर एक अनुभव आध्यात्मिक परीक्षा होती है। एवरी एक्सपीरियंस इज योर स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। और क्या है उस एग्जामिनेशन में, अपने मन के शांति का सौदा किसी के साथ ना करें। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतस्तुकम्। संपूर्ण विश्व में यदि अति मूल्यवान वस्तु कोई है तो अपने मन की शांति ही।
जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ शिरोमणि होता है। अन्य के कारण क्यों दुखी हो? हमको एक लड़के ने पूछा था किसी एयरपोर्ट पर, हमें जो आप इतना दौड़ते भागते हो लेक्चर देते हो, लोग सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा हम कोई पागल कुत्ते ने काटा है, हमको नहीं दुख होता। बोले क्यों? हम तो चाहते कि लोग सुधरे नहीं, दुखी रहे तो हमारा मार्केट बना रहेगा। डॉक्टरों की प्रार्थना यही होती है, सर्वे भवन्तु रोगिना, वो कभी नहीं कहती सर्वे भवन्तु सुखिना। देखो महाराज, दुनिया में कोई किसी को नहीं सुधार सकता, और जो सुधरना चाहता है उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। अध्यात्म माने स्वरूप को लेकर के, दुनिया को लेकर के नहीं। तेनाश श्रवणा तदर्थ मननात्। अभी हमारी धारणा क्या है? मैं देह हूं। साक्षात भगवान आके भी कहे कि तुम देह नहीं हो, हम नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से जब हमारी धारणा दृढ़ हो जाती है कि किसी भी हालत में मैं देह हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में मैं जीव हो ही नहीं सकता, तब जा करके हमने अध्यात्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। नहीं तो वही प्रश्न हजार बार पूछते, स्वामी जी माफ करना, ये बताइए मरने के बाद क्या होता है? तुम्हारे अगल बगल में लोग खुश हो जाएंगे, चलो गया। देखो नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? देखो तुम जब जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? तो मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अरे जीना सीखो, मरना मत सीखो। देखो हमारे भागवत महापुराण में जो आता है ना, आखिर में जाकर के परीक्षित जी को वो आके डसा और वो मर गए, इसको लेकर के प्रश्न। इतना उन्होंने सुना, फिर क्या मिला उनको? मैंने मत सुनो, किसने कहा है? ध्यान से सुनना, जो हम आध्यात्मिक साधना करते हैं इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, जो हम कर्म करते हैं इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, जो हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं हमको 100% क्लियर है, आप में से किसी को भी हमारे सत्संग की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारी अपनी खुजली है कि हम यहाँ आकर के बोलते हैं। और जब आदमी को खुजली होती है ना, तो समय की कमी नहीं होती, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो कमी नहीं होती, क्योंकि अपनी आवश्यकता है। जब कोई भी कर्म आप अपनी आवश्यकता के अनुसार करो तो कभी भी उसमें अभिमान नहीं होता। देखो नहीं तो कितनी मूर्खता, मैंने ये किया मैंने वो किया, एक छींक नहीं रोक सकते, क्या कर सकते जीवन में। इसीलिए तेनाश श्रवणात् तदर्थ मननात् ध्यानात् संकीर्तनात्। अब अपना ध्यान इसी की तरफ लगा दो। मौत हो गई दुनिया दुनिया दुनिया। देखो उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। लेकिन ये दुनिया का भला नहीं करना, तुमने बनाई कि दुनिया नहीं, किसने बनाई है कन्हैया ने, वो करेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो आएगा जोदा जोदा। हमारे भगवान कृष्ण बंगाली होते तो कैसा कहते हैं, जोदा जोदा ही धौर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो भगवान स्वयं आए, तुम क्यों परेशान, तुम क्या करो, अपना उद्धार करो। और जैसा जैसा आपका उद्धार होगा आपके अगल बगल का वातावरण बदल जाएगा। हम दूसरों को सुधारने चले, अपना सत्यानाश कर लिए। आज तक दुनिया में कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। देखो इसीलिए ध्यानाच संकीर्तनात्, और इसी का नित्य निरंतर पाठ करें, कभी ना कभी ये क्लिक हो जाएगा। फिर सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम सतः। यदि आप जैसे जैसे एक्सपांड होते जाओगे वैसे वैसे आप सबको अपने में इंक्लूड करते जाओगे। देखो मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरा स्टेट, फिर मेरे पड़ोसी, फिर मेरा देश, कितना बढ़ रहे हैं हम। तेना से श्रवणा तदर्थ कीर्त ध्याना च संकीर्तना। फिर सर्वात्मत्व, अब इसको ऐसा समझ लो हम सभी के सभी सिटीजन हैं इंडिया के, हमारे सिग्नेचर को कोई कीमत नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर को कितनी कीमत है?
क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरे देश के साथ जोड़ लिया है, और हम लोगों ने 1 BHK दरिद्री। अरे कभी तो बड़े हो जाओ। सर्वात्मत्म महाविभूति सहितम, अब देखो इनकी कितनी विभूति है, वो व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व का त्याग करके समष्टि में एक हो गए हैं, वही सब विभूतियां प्रकट हो जाती है। देखो सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यात् ईश्वरत्वम सतः, यही ऐश्वर्य व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। ऐश्वर्य क्या है? सर्वाणि भूतानि एनम संवांचन्ति, सब उसको चाहते हैं, ये ऐश्वर्य है। देखो ये है दक्षिणामूर्ति, सिद्धे तत् पुनरष्टधा परिणतम च ऐश्वर्यम अव्याहतम। तो जितनी भी सिद्धियां है वह सब अपने आप प्रकट होने लग जाती है, और यह हम सबके लिए संभव है महाराज, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। ये सभी बल्बों में एक ही बिजली प्रकट हो रही है, बल्ब अनेक है, प्रकाश एक है, और अनेक बल्बों के पीछे एक बिजली है। इसी प्रकार से देह अनेक है, इसमें जीवन एक है, और यह जीवन एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो हमको जहाँ हम पड़े हैं वहाँ से हट करके जो हम हैं वहाँ वापस चले जाओ। गिव अप द वर्चुअल रियालिटी एंड अटेन द एक्चुअल रियालिटी। देखो पिताजी, पति और पुत्र, ये वर्चुअल रियालिटी है, आदमी एक्चुअल रियालिटी है। इसके लिए जो GPS है वो यही है, अपना डेस्टिनेशन क्लियर हो। देखो महाराज, तो क्या है अपना डेस्टिनेशन? अब हमारे बाहर एक बार फिर कहो, Life is a time pass, kya farak padta hai, koi dikkat nahi, pata nahi, jo thari raai, so mari raai, nothing to do, nowhere to go, dekho suno mat bolo. Whenever, whatever you are, be 100% Karnatak, kisi ko aao mat kaho, kisi ko jao mat kaho, na kuch paana, na kuch khona, who asked you? Even zero complaint level, moj me raho, be happy. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. हरि ओम।